हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस सर्दी में जो है अपने रजाइयों में बहुत खुश होंगे। दोस्तों, मैं आपसे आज जो वीडियो शेयर करने वाला हूं, वो शेयर करने वाला हूं जो मैरीगोल्ड यानी गेंदे के पौधे हैं, उसको आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से जो उसके लिए मिट्टी बनानी है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है ठंड से बचे रहेंगे और अपने घर जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते रहेंगे। दोस्तों, बेफालतू में कहीं बाहर मत निकलिए, आज का समय जो है ऐसा ही चल रहा है। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं अब अपनी वीडियो के बारे में, जो हम गेंदे के बारे में। आपको सबसे पहले इस मिट्टी का ध्यान रखना है कि आपने जो मिट्टी बनानी है, उस मिट्टी में जो आपने सबसे पहले मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट खाद आप तैयार करेंगे, और आप जो है उस मिट्टी को जो है पहले सूखी होनी चाहिए मिट्टी। और देखिए, इस प्रकार से हम जो है इसमें हम आपको ग्रो करेंगे। इसमें जो है आपने जो छेद किया उसको ढक लेना है, ताकि जो है आपका जो पानी है फालतू वो ड्रेनेज हो सके। वैसे तो ये एक ऐसा बर्तन है, ये मिट्टी का बर्तन है, ये भी काफ़ी सारा पानी जो है सोख लेता है, लेकिन फिर भी हम इसमें जो है बहुत भुरभुरी मिट्टी हम इसमें डालेंगे, ताकि जो है हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ कर सकें। हमने जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट और जो है भुरभुरी मिट्टी डाली है। मिट्टी सूखी होनी चाहिए। जितनी दोस्तों आपकी मिट्टी ज़्यादा सूखी होगी, उतना ही पौधा आपका जो है बढ़िया ग्रोथ करेगा, उसकी जड़ें अच्छी से फैलेंगी। इस बात का आपने हमेशा ही ध्यान रखना है कि किसी भी पौधे को और जब भी आप ग्रो करो तो आप जो है मिट्टी सूखी लें। और इसमें देखिए, जो आपको वाइट वाइट से दाने से दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने इसमें थोड़े कली के दाने डाल दिए हैं, जो चूना होता है उस प्रकार से जो है हमने थोड़े से इसमें डाल दिए हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी दिखाएंगे कौन से बीज आपको उगाने हैं और कौन से आपके बीज नहीं उगेंगे, ये भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। और इसमें देखिए दोस्तों, ये जो है इस प्रकार से कई लोग देखते हैं कि इस प्रकार से ये बीज वाइट वाइट से बीज उगा देते हैं, ये डाल देते हैं। ये हमारे बीज कभी नहीं उगेंगे, क्योंकि पकने के बाद ही कोई भी बीज जो है उगता है, और उसको पकने के साथ साथ उसको सुखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारे काले काले पीछे से काले हो चुके होते हैं, वह बीज अच्छे से ग्रो करते हैं। जब आप तोड़ के रखें तो उनको अच्छे से सुखा लें, यही आपके अगले समय में यानी अगले सीजन में भी यही काम आने वाले हैं। काले काले आपके बीज होने चाहिए, और इनको जो है हम अच्छे से इसमें रख देंगे, और बहुत ज़्यादा एक जगह बीज ना डालें, ताकि आपके बीज जो है ऊपर नीचे एक ही जगह ना उगें। और इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है, यदि आप इस प्रकार से एक ही जगह बहुत सारे बीज गिरा देंगे तो उससे जो है आप के ज़्यादा बीज उगेंगे, और उससे फिर आपके पौधे ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे। आप एक बात को ध्यान रखें, जब भी आपके पौधे उग जाएं तो उसमें से जो हेल्दी पौधे नहीं हैं उनको आपने बाहर निकाल देना है, उनको आप बाहर निकाल दें, ताकि आपका पौधे जो बचे अच्छे पौधे हैं हेल्दी हैं वो और हेल्दी हो जाएं, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। आप दोस्तों, इसके बाद क्या आपने करना है कि इसमें अच्छे से इनको सेट करने के बाद बहुत ही ऊपर से जो है आपने एक लेयर बनानी है, इसकी ऊपर से मिट्टी की लेयर हम बना देंगे, और उसका जो है बहुत ब्रीक मिट्टी होगी वह जिसकी हम लेयर बनाएंगे, ताकि इसमें से आसानी से जो है बीज जो है बाहर आ सकें। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपने इस मिट्टी की लेयर बना देनी है, बहुत ज़्यादा इस पे नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी बहुत है, ताकि इससे जो है आपका बीज नमी बनी रहे और आपका ये पौधा जो है बहुत जल्दी निकल सके। देखिए दोस्तों, आप भी बड़े ही सावधानी से इस प्रकार से इसको जो है हम अब इसमें बहुत ज़रूरी क्या काम बचता है वह आपके लिए मैं बताता हूँ, कि आप जो है इसमें पानी जो डालें वो फुहार द्वारा डालें। हमने क्या किया है, बोतल के ऊपर से ढक्कन में सुराख करके उसके द्वारा हम शावर द्वारा पानी डालते हैं, ताकि एक जगह ही पानी ना भरा रहे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो आपने शावर द्वारा इसमें जो है पानी डाल देना है,
ताकि जो है, और बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। यदि आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो नीचे तक जो है आपकी नमी चली ज़्यादा बनी रहेगी और फिर आपका पौधा जो है नहीं उग पाएगा, यह गल जाएगा, बीज जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आजकल मौसम में भी नमी है और ठंड है। और उसके बाद जो है आप बीज लगाने के बाद इस प्रकार से आप ढक सकते हैं ताकि यह लिफाफा जो है अपने ऊपर अंदर जो है गर्मी अवशोषित कर सके और बीज जो है जल्दी ग्रो कर सके। इस प्रकार से आप जो है इसमें वाइट लिफाफा लेंगे तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों देख लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।